हाय, मैं हूँ अमरीश मुड़े रॉयल टच से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो मेरे 1,10,000 व्यूज हो गए हैं इंटीरियर विद अमरीश मुड़े में, और आपने जो मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक्स। सब्सक्राइबर्स जो 1.5 हो गए हैं उसके लिए भी वेरी थैंक्स। आज की थीम है हमारी पीवीसी, एक्रेलिक और लैमिनेट। ये स्क्रैच प्रूफ, फायर प्रूफ कैसे रहता है, लैमिनेट फायर प्रूफ है या एक्रेलिक फायर प्रूफ है, वो आप देखेंगे आज के इसमें। आज मैंने सब ये लिया हुआ है, इसमें कुछ एक्रेलिक के शीट्स है, कुछ पीवीसी है और कुछ लैमिनेट है। तो आज हम इस पे, ये लैमिनेट का कटर है, इसको इसके ऊपर स्क्रैच करके देखेंगे। ये पोक है, इसको भी, इससे भी स्क्रैच करके देखेंगे। एक अगरबत्ती है जिससे अपन फायर का टेस्ट करेंगे, और मोमबत्ती है, इससे अपन एक बार टेस्ट करेंगे इसका। तो आइए चलते हैं। पहले मैं अपना लैमिनेट का कटर जो आता है उससे मैं इस पर स्क्रैच करता हूँ। ये मैंने, ये एक्रेलिक का शीट है, ये एक्रेलिक है, इसके ऊपर मैंने स्क्रैच कर दिया है। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर स्क्रैच आ गया है। ये भी एक्रेलिक का ही है। ये ऐसे स्क्रैच कोई करता नहीं है, पर नॉर्मली घर में जब किचन में यूज होता है एक्रेलिक या पीवीसी, तो बाय चांस, बाय मिस्टेक किसी के हाथ से अगर लग गया तो ये स्क्रैचेस जो आते हैं ये बाद में जाते नहीं है। दिस वन जैसा ये है, ये रह जाते हैं जिसमें। अब ये पीवीसी का टुकड़ा है, दिस वन, इस पे भी मैं करूंगा, इसमें लाइट दिख रहा है, ये भी पीवीसी है। एक्रेलिक और पीवीसी में क्या फर्क है कि ये पीवीसी है, ये पीछे से व्हाइट रहता है, और ये एक्रेलिक है, ये फुल कोर लगता है ऐसा, ये बेंडेबल रहता है, इसके लिए मोस्टली सबको ये लगता है कि यूज करें। और यही हमारा एक एनएम का कट, ये है 2 मार्क सीरीज वाला, इस पर भी हम स्क्रैच करके देख रहे हैं, तो इस पर भी आ रहा है। पर आप इसको एक बार रफ कर देंगे, या ये देखिए, ये इसका जो शाइनिंग है वो वैसे ही है, और स्क्रैच जो आया था वो भी गया है। अभी मैं इसमें नॉर्मली अपना, ये पोक है, ये भी चला था, इसमें आप देखेंगे कि इसका भी आ गया है। ये मैट फिनिश है, मैट में आ रहा है पर कम आ रहा है, पर ये जैसा इसका मैट है, ये क्रिस्टल मैट ही है, इसके ऊपर मैं घस रहा हूं तो इस पे आ रहा है। पर आप जब इसको थोड़ा मिटाएंगे, नॉर्मली कोई अपने हाथ से उसे करता नहीं है स्पेसिफिकली जानबूझ के, पर अगर लगता है तो लैमिनेट में ये जो स्क्रैचेस है वो निकलने में आसान रहते हैं, पीवीसी और एक्रेलिक में वो थोड़ा ये रहते हैं, थोड़ा नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपको एक अगरबत्ती भी जला के इसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि नॉर्मली एक फायर टेस्ट रहता है। क्योंकि कभी माचिस से हम लोग इस पे ऐसा रख देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, लैमिनेट पे आता है। अभी मैं इसको पहले एक्रेलिक पे लगाता हूं, इस पर आप देखेंगे थोड़ा सा काला हो गया है, और उसका जो शाइनिंग था वो निकल गया, आप देख सकते हैं इसमें यहां पे। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब आपको दिखेगा इसमें, इस वन यहां पे, वही हम लोग पीवी के साथ, पीवीसी के साथ में करते हैं। ये देखिए इसमें भी वो दाग आ गया है हियर यहाँ पे। अब ये टेस्ट हम लोग लैमिनेट के लिए करते हैं, ये लैमिनेट है 9 मार्क सीरीज, उस पे करते हैं। इस
इसमें देखिए जो स्ट्रेन आया था वो निकल गया पूरा। वापस लगाता हूं, इसमें जो स्टेन आया था ये निकल गया है, ऑलमोस्ट निकल गया है। अब मैं ये ग्लॉसी शीट पे लेता हूं, ये लैमिनेट की शीट है 1.25 की क्रिस्टल में, जो नॉर्मली किचन में यूज होती है, इस पे मैं लगा देता हूं। ये हमारी कंपनी का सैंपल है क्रिस्टल सीरीज का। ये देखिए मैंने हाथों से, ये देखिए वापस एक बार आपके सामने करता हूं, इसमें दाग जैसा दिख रहा है। अब मैं जब इसको सिर्फ नॉर्मल हाथों से भी मिटा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं ये निकल गया। कभी अनजाने में हमारे हाथों से कभी माचिस लग जाता है या कुछ स्टेन आ जाता है, तो वो निकालने के लिए वापस एक बार दिखाता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इससे पहले भी ये 50वां वीडियो है मेरा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये है, अब इसमें मैं फायर का और एक टेस्ट करने जा रहा हूं अपना, अगरबत्ती मोमबत्ती जला के। मोमबत्ती मैं क्या करूंगा, इसको एक बेस इसमें रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये खराब नहीं होगा टेबल। अब मैं इसको फायर टेस्ट हम लोग करेंगे, एक से दस गिनेंगे सबके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि लैमिनेट में मैं ये करके दिखाऊंगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो उसका फायर कट किया है, हार्डली 10 सेकेंड्स में मैंने कैच किया था, क्योंकि पीवीसी रहता है ये ऑलमोस्ट मतलब फायर से प्रोटेक्टेड रहता ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसका दाग आ गया, ये स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं, जो नॉर्मल एक छोटा सा अगरबत्ती मैंने लगाया तो वो आ गया इसमें। अब ये पीवीसी का शीट है, ये एक्रेलिक था, ये पीवीसी पीछे से ऐसा रहेगा और ये एक्रेलिक पूरा सिंगल कलर ही रहेगा। अब पीवीसी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मली मैं 5-10 सेकेंड्स या ऐसे ही रख रहा हूं। इसमें आप देखेंगे ये देखिए ये पीवीसी का 10 सेकेंड्स में इसका क्या हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसके पैकिंग में क्या हुआ है वो भी दिखाता हूँ। मैंने फायर यहां से लगाया था 10 सेकंड के लिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे भी उसका ये आ गया है। मतलब ऐसे कोई किचन में कोई अपना जानबूझ के कोई स्क्रैचेस नहीं करता है, कभी बच्चे रहते हैं, कभी अनजाने में हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट में भी लैमिनेट पे करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये मैंने 20 ऑलमोस्ट डबल इसका ये किया है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये क्रिस्टल सीरीज है 1.25 की, मोस्टली पीवीसी और एक्रेलिक में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये बेंडेबल रहता है, 90 डिग्री बेंड होता है, ये देखिए, तो इस वजह से मोस्टली प्रीफर करते हैं। पर वही चीज आपको लैमिनेट में मिल रही है, जो एज बेंडिंग का भी सॉल्यूशन है। आप सेम कलर आपको कोई भी है, इसका भी अगर एज बेंड चाहिए तो आपको इसका मिलेगा, ये चाहिए इसका चाहिए तो ये भी मिलेगा, इस पर भी कर लेते हैं एक बार। ये भी रॉयल टच का ही है, क्रिस्टल सीरीज का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स तक मैंने रखा है और इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये मैं आपके सामने इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बताना और जो रियलिटी है, क्योंकि हर एक आदमी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अपनी
स्पेशलिटी बताता है, पर कुछ डी वो भी रहते हैं जो बताना चाहिए। वापस एक बार टेस्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे ये जलना चालू हो गया। इसमें लैमिनेट जो होता है वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट इसका मिलता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है। और एक्रेलिक पीवीसी है वो मुझे नहीं लगता उतने एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। किचन में सिर्फ लुक वाइज बहुत सारे क्लाइंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं। ये देखिए आप, इस पर आपको दिखता होगा इस पर एक लेयर सा वो आ गया है और इसको फायर ने कैच कर लिया है। नॉर्मली जो किचन बनते हैं ये MDF बनाया है, MDF है ये, MDF मतलब मीडियम डेंसिफाइड प्लाईवुड, और उसके ऊपर लगाया हुआ है ये। मैं एक सैंपल हमारे दोस्त हैं जो किचन का काम करते हैं वहां से लेके आया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितना पतला सा लेयर लगा है इसके ऊपर। जो 2 मिनट में ये फायर कैच कर रहा है। अगर लैमिनेट आप यूज करते हैं तो आपके बहुत बहुत सारे फायदे हैं, जैसे स्क्रैच फ्री है, जैसे इसे मैंने स्क्रैच किया, इससे वो किया, अगरबत्ती से मैंने अपने टेस्टिंग की। ये देखिए यहाँ पे भी, इसके ऊपर भी आया, ये मैट है, ये मैट पीवीसी है, इस पे चेक करते हैं। देखिए इस पे भी आ रहा है लाइट। ये नोमार्क सीरीज है, ये भी यूज कर सकते हैं किचन में। ये क्रिस्टल सीरीज का शीट है 1.25 में, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू।